सफल इन्वेस्टिंग के लिए मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ उतना ही जरूरी है जितना कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर अक्सर इन्वेस्टर्स कई तरह के कॉग्नेटिव बायसेस के शिकार हो जाते हैं जिसका नतीजा होता है इमोशंस से भरे डिसीजंस और अंडर परफॉर्मिंग रिटर्न अब हमने इस चैनल पर किसी दूसरे वीडियो में कुछ बायसेस पर भी चर्चा की थी जहां हमने लॉस अवर्जन हर्ड मेंटेलिटी इंसेंटिव्स एलिजियंसिस टू अथॉरिटी सोशल प्रूफ एक्सेट्रा पर हमारे प्री डिस्पोजिशंस को कवर किया था इसलिए इस वीडियो में हम कुछ मेंटल हैक्स तथा क्विक टूल्स की जाँच करेंगे जिनका कोई भी इन्वेस्टर लगभग तुरंत ही यूज कर सकता है जो आपकी फाइनेंशियल प्रोफेशनल तथा यहाँ तक की पर्सनल फैसले लेने की स्किल को भी इंप्रूव करेगा तो आइए शुरू करते हैं हम में से कई अमीर बनने का सपना देखते हैं और केवल यह विचार कि कैसे इस प्रोसेस को शुरू करें यह काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है और यही चंकिंग का मामला आता है जो बड़े फैसलों को छोटे हिस्सों में तोड़कर छोटे मैनेजेबल फैसले लेने की टेक्निक की ओर रेफर करता है अब प्रैक्टिस में चंकिंग काफी सरल हो सकता है उदाहरण के लिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सारा कुछ सीख लेने की ज़रूरत नहीं है आप एक छोटा सा एस्पेक्ट चुन सकते हैं और वहीं से शुरू कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कंपनीज के बारे में समझने से स्टार्ट कर सकते हैं जिनका हाई मार्केट शेयर या मोनोपली है या हो सकता है आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि इंश्योरेंस या बैंकिंग स्टॉक के बारे में सीखना चाहें यही चंकिंग एक्सरसाइज दूसरे वेल्थ बिल्डिंग टास्क के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि अगर कहा जाए कि आप हर साल एक करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं अभी यह काफी मुश्किल लग सकता है लेकिन फिर आप इस टास्क को ब्रेक डाउन करें आपके करंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है फ्यूचर में आपको उनसे कितना कमा लेने की उम्मीद है इसके अतिरिक्त आप और क्या कर सकते हैं आपको कौन से कदम उठाने की जरूरत है आप इस एक्सरसाइज को अपने सभी फाइनेंशियल प्रोफेशनल तथा पर्सनल गोल्स के लिए करें और जल्द ही आप देखेंगे कि वर्तमान में लगभग नामुमकिन दिखने वाला गोल अचीवेबल दिखने लगे हैं दूसरा मेंटल हैक और बेहद यूजफुल हैक है रीफ्रेमिंग रीफ्रेमिंग शब्द का सरल अर्थ है एक पर्सपेक्टिव चेंज अर्थात किसी सिचुएशन का अलग तरीके से अनुमान लगाना उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के ओनर हैं और इस बिल्डिंग में एक पुराना एलिवेटर है आपके टेनेंट्स कंप्लेन करते रहे हैं कि एलिवेटर बहुत स्लो है और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर एलिवेटर की समस्या तुरंत दूर नहीं की गई तो वो अपने अपने लीज कैंसिल कर देंगे अब आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किसी प्रोडक्ट गाय की तरह सोचने का हो सकता है अर्थात या तो एलिवेटर को फास्ट बना दीजिए या एलिवेटर को एक नए एलिवेटर से रिप्लेस कर दीजिए लेकिन इसकी जगह अगर हम किसी मार्केटिंग गाय की तरह सोचें और समस्या को रीफ्रेम करने का लक्ष्य बनाए तो पूरा परस्पेक्टिव अपने आप दूसरे तरीके से आपके सामने आ जाएगा जैसे कि इस मामले में क्योंकि हर कोई एक ही समय यानी लंच टाइम में एलिवेटर का यूज कर रहा है एक पॉसिबल सोल्यूशन यह है कि टेनेंट कंपनियों से अपने लंच ब्रेक को अलग अलग समय में स्कैटर करने की रिक्वेस्ट करें ऑल्टरनेटिवली शायद टाइम को एक टीवी स्क्रीन इंस्टॉल करके जो हर एक पंद्रह मिनट पर अपडेटेड न्यूज देता है और प्लेजेंट तथा एंगेजिंग बनाया जा सकता है इसी तरह के और भी कदम उठाए जा सकते हैं दूसरे शब्दों में कहें रीफ्रेमिंग किसी समस्या का सोल्यूशन पाना नहीं है बल्कि यह किसी बेहतर समस्या को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है अगर आप रीफ्रेमिंग का एक अधिक ड्रामेटिक उदाहरण चाहते हैं तो विक्टर फ्रैंकल की लिखी एक किताब जरूर पढ़े जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अपने टाइम के बारे में लिखते हैं और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के पर्पस की रीफ्रेमिंग के द्वारा अपने माइंड को एक्टिव रखा और उस कठिन सिचुएशन में दूसरों को उम्मीद दिलाने में मदद की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो में बताए गए है हैक्स से संबंधित कई आर्टिकल्स बुक्स तथा स्टडी मटेरियल को लिस्ट किया है इसलिए आपके लिए जब भी कन्वीनियंट हो तो इन पर जरूर नजर डालें फोर आवर वर्क वीक के राइटर टिम फेरिस के पास फिटर सेटिंग नाम का एक शानदार फ्रेमवर्क है इस टेक्निक में यह कल्पना करना शामिल है कि आपने एक गलत चॉइस किया है और फिर वहां से उस हर एक टेरेबल चीज को एक्सप्लोर करते रहे जो यहां से आपके साथ हो सकती है इन एसेंस आप सबसे अधिक हॉरेबल नाइटमेयर को डिफाइन कर रहे हैं और इसके आधार पर आप इसकी भी पहचान करते हैं कि, कि किस प्रकार इन समस्याओं के सामने आने से पहले उनका समाधान कर दिया जाए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक साइड बिजनेस करना चाहते हैं आप जानते हैं कि किस चीज को लेकर आप पैशनेट हैं और किस प्रकार आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अब इस रास्ते पर चलने से जुड़े सबसे बड़े डरों में नीचे लिखी बातें शामिल हो सकती हैं जैसे मैं इस एक साइड बिजनेस में फेल भी हो सकता हूं और अपनी सभी सेविंग्स गंवा सकता हूं मेरी कंपनी इसकी इजाजत नहीं दे सकती है और मुझे रिजाइन करने को भी बोल सकती है किसी कारण से मुझ पर मुकदमा हो सकता है और मुझे वकीलों पर कुछ समय या पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं आदि आदि यह नेचुरल रिएक्शन है लेकिन जैसा कि टिम फेरिस ने इसे रखा है डर को डिफाइन करना डर को जीतने का पहला स्टेप है वास्तव में फेरिस ने इस फियर सेटिंग फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में हमें सात स्टेप या सवाल दिए हैं और जब भी आप कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला करना चाहते हैं सभी को इन सात क्वेश्चंस पर कुछ समय गुजारने को एनकरेज किया है हमारे दिमाग में बहुत सारे डर होते हैं लेकिन उनके घटित होने या न होने के बावजूद उनका अनुमान लगाना उन डरों को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है मैंने पहली बार गाइस्पियर और मोनिश पाबराय के एक वीडियो में मिस्टेक बोर्ड या वॉल ऑफ शेम के बारे में सुना इस पर एक नजर डालें So, I learned this from uh, Chris Davis, um, uh, where he had a Hall of Shame. In fact, I went to his office in New York and he showed it to me. So, this wall right in front of me here is um, businesses that we used to have a stake in and we've exited fully and we made money. You know, we actually, uh, actually had gains in all of these uh, businesses, so things worked out well. So, that was good. And then, if you just follow me here, uh, where we make our coffee in the kitchen, we have a smaller number of plaques here, which I think is good because these are the businesses where we had permanent losses of capital. And uh, so you can see uh, Delta Financial up there, which is a business which uh, we lost about 65 million. And, uh, and then there's a few others over here which uh, have, have led to losses. And um, uh, pretty much uh, see it every day. And uh, thankfully, this is not growing much. It's uh, constant. अगर आपने इस पूरी बातचीत को नहीं सुना है तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि इसे आप आज करने की चीजों की लिस्ट में शामिल कर लें जब मिस्टर पबराय मिस्टेक्स बोर्ड या वॉल ऑफ शेम के बारे में चर्चा करते हैं तो वो एक पुरानी कहावत का जिक्र कर रहे होते हैं जिसमें कहा गया है कि आप अपनी सक्सेस की तुलना में अपनी फेलियर से ज्यादा सीखते हैं आखिरकार एक मिस्टेक बोर्ड और कुछ नहीं बल्कि अपनी गलतियों को मान लेने और इन गलतियों से सबक लेने का एक रिमाइंडर है और सीखने की इस प्रोसेस ने ही मिस्टर पाबराय को आज इतना बड़ा इन्वेस्टर बना दिया है अब हम में से कई के लिए एक गलती में ये चीजें शामिल हो सकती हैं जैसे किसी स्टॉक को बहुत जल्द या बहुत देर से बेचना यह एक महंगी यूलिप या एल आई पॉलिसी हो सकती है जिसे आपने खरीदा है या शायद आपने स्टॉक टिप्स के आधार पर कहीं इन्वेस्ट किया है जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ था आपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस का यूज इस बात के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ किया था कि ये किस प्रकार काम करते हैं सभी ने आपके और मेरे सहित कुछ फाइनेंशियल गलतियां की हैं और जहां हमें उन्हें घर में फ्रेम करने की जरूरत नहीं है खुद को इन्हें रिमाइंड कराने का तरीका तलाशें ये एक स्क्रैप बुक एक स्क्रीन सेवर के रूप में हो सकता है या आप वो कोशिश कर सकते हैं जो मैं करता हूं जिसमें मैं अपने नए साल की डायरी के पहले पेज पर वर्षों से की गई टॉप बारह तेरह गलतियों को लिखता हूं उन्नीसवीं सदी के जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल गुस्ताव याकोब याकोबी कठिन और जटिल समस्याओं को उन्हें बैकवर्ड्स की ओर एड्रेस कर समाधान करने के लिए जाने जाते हैं वो अक्सर कहते थे मानमूस इमर उमकर इसका ट्रांसलेशन होता है इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट इनवर्जन एक बहुत पावरफुल थिंकिंग टूल है और फिर भी बहुत काउंटर इंट्यूटिव है क्योंकि लोग जो चाहते हैं उसके ऑपोजिट सोचने में टाइम गुजारना पसंद नहीं करते सीधे शब्दों में कहें तो इन्वर्जन हमें सिखाता है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए और यहां बताया गया है कि यह किस प्रकार काम करता है इसलिए मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं क्या करूं अब जब हम इस स्टेटमेंट को इन्वर्ट करते हैं तो आपको अपने आप से जो सवाल पूछने की जरूरत है वो है मुझे अपने फाइनेंश को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना चाहिए आप देखें कि यहां क्या हो रहा है कि इसके बिल्कुल उलट सोचने के जरिए आप सोल्यूशंस के एक पूरी तरह से अलग सेट पर पहुंचते हैं जो आपके गोल्स तक पहुंचने में समान रूप से इफेक्टिव है वास्तव में आप इस टेक्निक को रोजाना की कई एक्टिविटीज में आजमा सकते हैं और अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए मैं क्या करूं को उल्टा किया जा सकता है कौन सी एक्टिविटीज मुझे अनप्रोडक्टिव पर्सन बना सकती हैं? मुझे अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए बन जाता है कि मुझे गरीब बनने के लिए क्या करना चाहिए मैं प्रॉफिटेबल स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं बन जाता है मैं लॉस मेकिंग स्टॉक्स कैसे पा सकता हूं आप यहां देख सकते हैं कि लगभग हर एक सवाल को इन्वर्ट किया जा सकता है और इस प्रोसेस में इन्वर्जन एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चुनौती देने में आपकी हेल्प करेगा और आपको नॉर्मल पैटर्न के बाहर कदम उठाने को मजबूर करेगा तो अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल तथा पर्सनल फैसला लेने में भारी इंप्रूवमेंट लाने के लिए इन्वर्जन को सख्ती के साथ प्रैक्टिस करें मेरी दाई तरफ की इस इमेज पर गौर करें यह पिचानवे साल के एक बूढ़े आदमी की पिक्चर है जो सिगरेट पी रहा है और ऐसा होता है कि यह आदमी रोजाना सिगरेट के तीन पैक स्मोक करता है अब जब हम इसे आइसोलेशन में देखते हैं यह इमेज जो मैसेज देती है वो ये है कि स्मोकिंग इतनी बुरी नहीं हो सकती है आखिरकार यहां एक ऐसा आदमी है जिसने पिछले सत्तर सालों में रोजाना सिगरेट के तीन पैक पीने के बावजूद इतना लंबा जीवन गुजारा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक एक्सेप्शन है मेजॉरिटी नहीं लेकिन हम इसे किसी और के लिए कैसे ऑब्वियस बनाएं यहां ट्रिक यह है कि उस व्यक्ति को किसी स्टैटिस्टिशियन की तरह सोचने को कहें इसलिए इस मामले में हम एक हजार ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी उम्र लगभग पिचानवे वर्ष है। एक हजार लोगों के इस यूनिवर्स से आपको क्या लगता है स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स का रेशियो क्या होगा अब हमें प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरा दाव इस सपोजिशन पर है कि उस ग्रुप में हमें स्मोकर्स की तुलना में नॉन स्मोकर्स अधिक मिलेंगे वास्तव में हम और बेहतर क्लैरिटी के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं तो मान लीजिए हम एक मिलियन रैंडमली सिलेक्टेड स्मोकर्स और एक मिलियन नॉन को लेते हैं सवाल यह है कि किस ग्रुप में पिचानवे वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों की उम्मीद है एक बार फिर मेरा दाव स्मोकर्स कैटेगरी की तुलना में नॉन स्मोकर्स कैटेगरी में अधिक पिचानवे वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को खोजने पर होगा इन एसेंस ये स्टेटिस्टेशन हैक आपको कुछ एक्सेप्शनल में एविडेंस पाने की टेंडेंसी से बचने में हेल्प करेगा लेकिन यह वास्तव में रियलिटी का वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इन्वेस्टिंग के भीतर इसी सेम आउटलायर में एक्सेप्शनल पोजीशनिंग को लगभग रोजाना के आधार पर देखा जा सकता है मैं इसे पेनी स्टॉक्स आईपीओस माइक्रो कैप्स टर्न अराउंड आदि में देखता हूं जहां लोग कैप्टिवेटिंग हेडलाइन से लगातार सम्मोहित होते रहते हैं जबकि यह भूल जाते हैं कि हर एक पेनी स्टॉक जो सफल है के लिए सैकड़ों ऐसे हैं जिन्हें मिजरेबल फेलियर्स का शिकार होना पड़ा है और केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं यही मामला लॉटरी के साथ भी है जहां हम टीवी पर उस लकी करोड़पति को देखते हैं और जो हम नहीं देखते हैं वो ऐसे दूसरे मिलियन लोग हैं जिन्हें लॉटरी टिकट खरीदने के बावजूद भी पैसे नहीं मिले तो अगली बार एक स्टेटिस्टिशन की तरह सोचना शुरू कर दें, जिससे कि अपने विचारों और मनी को अधिक रियलिस्टिक लेवल पर रख सकें। चार्ली मंगर इसका खूब यूज करते हैं इसलिए अगर कोई स्टॉक प्राइस ड्रॉप पर शोक करने के बजाय दस नीचे चला जाता है मंगर यह समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं कि पहले आखिर प्राइस ड्रॉप हुआ ही क्यों बेशक इसकी वजह हाई वैल्यूएशन से लेकर कुछ जियो क्राइसिस तक कुछ भी हो सकता है लेकिन अक्सर प्राइस अधिकतर बैंड वैगन इफेक्ट के कारण फॉल करती है जो भीड़ को फॉलो करने की मानवीय टेंडेंसी है इसी फॉलो द हर्ड मेंटालिटी की वजह से 2000 की शुरुआत में डॉट कॉम बबल और 2007-2008 का हाउसिंग मार्केट संकट पैदा हुआ 2017 में इंडियन मिड कैप्स तथा स्मॉल कैप्स का इनसेन वैल्यूएशन हुआ और यह अभी तक बिटकॉइंस के राइज टेस्ला आदि के आई पॉपिंग वैल्यूएशन के साथ फ्लरिश हो ही रहा है अब मंगर का यह पूछना कि ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है इसका मेंटल हैक किसी एग्जिस्टिंग पैटर्न को तोड़ने का इन्वेस्टरों के लिए एक वंडरफुल टेक्निक है इसका कारण ढूंढने के द्वारा कि भीड़ किसी खास दिशा में ही क्यों आगे बढ़ रही है आप अपने आप से यह पूछने का टाइम दे रहे हैं कि क्या ऐसा कोई एविडेंस है कि ऑपोजिट करने से मुझे हेल्प मिल सकती है संक्षेप में आप दूसरे ऑप्शंस की ओर देख रहे हैं विशेष रूप से कॉन्ट्रेरियन व्यूज जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाने तथा आपके फाइनेंशियल फैसलों में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं तो कुल मिलाकर हमने आज ये सात मेंटल सीखे जो आपके परसेप्शन फोकस और आपकी जागरूकता में बदलाव लाने के लिए बनाए गए हैं कि आप फाइनेंशियल फैसले कैसे लेते हैं चंकिंग के साथ हमने बड़े फैसलों को तोड़कर छोटे मैनेजेबल हिस्सों में फैसले लेने के महत्व के बारे में सीखा रीफ्रेमिंग के साथ हमने सॉल्व करने के लिए बेहतर प्रॉब्लम के बारे में जाना टिम फेरिस फियर सेटिंग टेक्निक ने हमें सबसे बुरे मामलों के सेनारियों में बैकवर्ड जाने पर सोचने को मजबूर किया मिस्टेक बोर्ड हमें हमारी गलतियों से सीखने का एक एक्नोलिजमेंट तथा एक रिमाइंडर है याकोबी के इन्वर्जन रूल्स में हमें सिखाते हैं कि क्या अवॉइड करना चाहिए किसी स्टेटिस्टिशियन की तरह सोचने से आपको नॉइज को कट थ्रू करने और फैक्ट को फॉलो अप करने में हेल्प मिलती है और अंत में हमारे पास चार्ली मंगर हैं जो कारणों को ढूंढने और हर्ड को फॉलो न करने के लिए एनकरेज करते हैं जैसा कि हम यहां देखते हैं दुनिया के सबसे महान दिमाग प्रेजेंट और पास्ट में इन मेंटल हैक का यूज़ करते रहे हैं और फैसले लेने के स्किल को प्रोफाउंडली इंप्रूव करते रहे हैं इसलिए आप ट्राई जरूर करें और फाइनेंशियल फैसले लेते समय इनमें से जितने हैक का यूज कर सकते हैं ज़रूर करें और अगर आप कोई इंप्रूवमेंट देखते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं टाइम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीचे रेकमेंड रीडिंग्स पर जरूर गौर करें उस लाइक like बटन को जरूर टैप करें ई टी मनी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं अगले सप्ताह आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली